विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस रुक गई। इसकी मुख्य वजह रही कांग्रेस में आपसी अंतःकलह, जिसके चलते कांग्रेस की एकता पर सवाल खड़े हुए। गुटबाजियां सामने आई, कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्रियों तक यह गुटबाजी देखने को मिली और इसका परिणाम कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ा। अब फिर से आदिवासी दिवस के एक दिन पहले आदिवासी नेता अमरजीत भगत का दर्द छलका है। उनका फिर एक बयान सामने आया है, उन्होंने आपसी कमी को चुनाव हारने की वजह बताई है। तो वहीं इस पर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जो हम शुरू से आरोप लगाते आ रहे थे, उस पर आज पूर्व मंत्री ने खुद मुहर लगा दी है। हम लोगों में ही गलती रहा होगा ना, जिसके कारण हम लोग हारे। जनता बदलाव चाह रही थी, नेताओं में तालमेल की कमी थी, तेरा मेरा का खेल पूरा प्रदेश में नुकसान किया। हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, उसे बहुत सारी दिक्कतें और पेचीदगियां आई थी, और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी को धन्यवाद कि जो आरोप और जो विषय हम रखते थे उस पर उन्होंने मोहर लगाई। ये अलग बात है कि सत्ता में रहते उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन घर के अंदर की जो कमी थी, कलह था, अविश्वास था, जो नेताओं में आपसी गुटबाजी थी, जो वर्चस्व की लड़ाई थी कांग्रेस में, उसको आज बयां कर रहे हैं जब सत्ता से बाहर चले गए हैं। तो मुझे लगता है हम जो कहते हैं, हमेशा से जो आरोप लगाते रहे, वो वस्तुतः सत्य सिद्ध हुआ, ये स्वयं अमरजीत भगत जी कह रहे हैं।